नंबर के बढ़िया स्वाद जरूर ट्राई करना और जल्द ही। हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम बना रहे हैं नारियल की बर्फी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम नारियल का बूरा ले लिया है, इतनी ही 250 ग्राम मैंने चीनी ले ली है, 250 ग्राम ही मैंने मावा ले लिया है, आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। सबसे पहले गैस को चालू करेंगे और नारियल के बूरे को हल्का साइज को भूनेंगे। इसको थोड़ी देर ही भूनना है। हल्का सा कलर चेंज होने तक मैंने इसको भूना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम गैस चालू करेंगे दोनों। एक में हम मावे को मेल्ट करेंगे और एक में चीनी की चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने चीनी इसमें डाल दी और इतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इलायची का पाउडर भी चाशनी में डाल देंगे। इधर हमारी चाशनी बनेगी और इधर हम मावे को मेल्ट करेंगे मीडियम आंच में। बहुत ही मीडियम आंच पे मावे को मेल्ट करना है, नहीं तो हमारा मावा जल जाता है। मावे को पहले मैंने क्रश कर लिया था इसलिए ये सॉफ्ट हो गया है जल्दी। अब मैं मावे के अंदर नारियल का बूरा डाल के मिक्स करूंगी। इधर थोड़ा चाशनी को भी चला लेते हैं। मावे को और नारियल के बूरे को अच्छे से हम करेंगे मिक्स। मावे को और नारियल के बूरे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस हमने बंद कर दिया है। धीरे धीरे इसको मिक्स किया है स्लो आंच पे। चाशनी हमारी यहाँ पे बन रही है। एक तार की चाशनी हमें तैयार करनी है। अब हमारी चाशनी यहाँ पे तैयार हो गई है एक तार की। गैस को हमने बंद कर दिया है। ये देखिए इसमें एक तार बनने लगा है। सो थोड़ा सा इस चाशनी को ठंडा करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं डालेंगे। जिसमें हम बर्फी को बनाएंगे उसमें थोड़ा सा घी को ग्रीस कर देते हैं क्योंकि इसी में हम बर्फी को लगाएंगे ना, इसलिए। अब हम चाशनी को हमारे इस नारियल के बूरे और मावे के मिक्स के साथ मिक्स करेंगे।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। गैस हमारा बंद ही है। क्योंकि चाशनी हमारी गर्म है इसलिए अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब हम इस परात में निकाल देंगे। इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसमें वर्क से डेकोरेट करेंगे हमारी बर्फी को। एक वर्क और लगाएंगे। तो देखिए हमने वर्क को लगा दिया है। अब हम इस बर्फ़ी को एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। एक घंटे बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो अब हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। एक घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पीसेस में कट करेंगे। मैंने ऐसे करके कट कर लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कट कर सकती हो। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। सो गाइस बहुत ही अच्छी हमारी नारियल की बर्फ़ी बनी है। सो आप जरूर ट्राई करना और जल्दी से बन जाती है ये। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी में।